उसके परिवार में कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर डाल। पूजा, तुम हो? हाँ पूजा, मैं ही हूँ।
तुम्हें देख करके बहुत एक्साइटेड हो गया। 6 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ लेकिन किसी के पास तुम्हारी कोई डिटेल्स ही नहीं है। थैंक गॉड फाइनली। कल ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। तुम्हारे घर गया था, वहाँ मुझे पता चला कि उस वक्त तुम हॉस्पिटल गई हुई हो, लेकिन तुमसे तुरंत मिलना था ना, इसलिए यहाँ पे चला आया। मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में फिर से नहीं देखना है, प्लीज चले जाओ। चलिए चलते हैं। ए, पूजा, 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 पूजा। सब कुछ छोड़कर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ और तुम मुझे ऐसे अवॉइड करके जा रही हो, व्हाई? तुम्हें पता नहीं है क्या, बहुत मुश्किल से सब भूलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बार बार मेरी आंखों के सामने वही सब ला रहे हो। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। पूजा पूजा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन तो लो। पूजा पूजा प्लीज। कुछ देर बाहर वेट कीजिए। ओके सिस्टर, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। ओके, आओ। अंकल मैं कैंटीन होकर आती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। बाय बेटा। मेरी तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट। चलो। अरे चलो। पूजा, पूजा। पूजा इसमें क्या है, खोल के देखो तो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर और भी तुम यहाँ रुके तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे पूजा ये हमारा वेडिंग कार्ड है, इसमें सिर्फ डेट मिसिंग है। मैं तुमसे मिलके ही इसमें डेट फिल करना चाहता था। तुम इतनी बड़ी गलती करने के बाद इतनी इजली बात कैसे कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा मुझे ना देखना पड़े इसीलिए अब्रॉड जा रही हूँ और यही बोलकर मैं यहाँ रह रही हूँ। जब से तुम्हें मैट्रिमोनियल साइट पर मैं मिली हूँ तब से मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो? पूजा मैंने क्या किया है? पूजा हमारी शादी फिक्स होते ही हमारा पहला वेडिंग कार्ड देने के लिए तुम्हारे घर आते वक्त एक्सीडेंट में मेरे पिताजी, माँ, बहन, ऐसे मेरी सारी फैमिली चली गई। अब तक मैं वो दुख से बाहर भी नहीं आ पा रही हूँ। मेरी एक ही सगी बहन की बेटी है, उसे भी वो अनाथ आश्रम में डलवाने जा रहे थे। मैं उनके सामने इसके लिए कितना गिड़गिड़ाई। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ रहे फिर भी तुम उस वक्त सिर्फ तमाशा ही देखते रहे। तुम चुपचाप ये सब खड़े होकर कैसे देख सकते हो? पूजा मैं जानता था वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इसीलिए तो अपने माँ बाप के खिलाफ जाके तुम्हें ढूंढ रहा था। पूजा अब से ये हमारी बेटी है। मम्मी कुछ भी हो जाए हमारी शादी होनी चाहिए। पूजा मेरी बात सुनो, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मुझे किसी और के साथ रहना है। मैं उससे शादी करने जा रही हूँ, अभी तक उसे मैंने बताया नहीं है, इवनिंग में बताने वाली हूँ। अब मुझे परेशान करना छोड़ दो प्लीज। पूजा प्लीज। मैडम बाहर से देख रहा हूँ, बहुत देर से ये आपको फॉलो कर रहा है, पुलिस को बुलाऊं क्या? ए हाथ छोड़, जानता है कौन हूँ मैं? देखा अब बोलेगा बड़े बाप का बेटा हूँ। मैडम चर्बी देखी इसकी आपने? मुझे बेकार में कोई तमाशा नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैडम बोल रही हैं इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, अगर फिर से मैडम को फॉलो किया तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। थैंक्स। कोई बात नहीं मैडम। चलो गौतम, कहाँ चले गए ये सब? कहाँ गए? यहीं कहीं आसपास ही होंगे। हाँ? हाँ? हाँ?
कहाँ गए होंगे। हेलो, ये तो गौतम की स्टिक है। Once I find you, for sure I'll kill you. One, two, three, four, five, six. पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब? गौतम, चलो बैठो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये स्टाफ का प्राइवेट एरिया है, आप यहाँ से जाइए प्लीज। मुझे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है, बोलिए। मेरे बॉयफ्रेंड के पैर में जो प्लास्टर लगा हुआ था, उसे हम निकालने के लिए यहाँ आए थे। प्लास्टर निकालने में 1 घंटा लगेगा, ऐसा हमें नर्स ने कहा था। 1 घंटे बाद मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसको मैंने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उन्हें किसी और चेकअप के लिए तो नहीं लेकर गए? ये आप चेक करके प्लीज मुझे बता देंगी? आपकी बात पे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। क्यों? हमारा हॉस्पिटल न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है, और वैसे भी आप जिस ऑर्थो डिपार्टमेंट की बात कर रही हैं, वो तो कल ही यहाँ से शिफ्ट हो गया। वहाँ पर इस वक्त कोई नहीं होगा, इसीलिए तो आपकी बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद ड्रेसिंग रूम तक उन्हें छोड़कर गई थी, नर्स भी थी वहाँ पर। चिंता मत कीजिए, मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। पंखुड़ी, ऑर्थो डिपार्टमेंट कल शिफ्ट हुआ है कि नहीं? हाँ सिस्टर, चले गए। अच्छे से पता है ना? श्योर सिस्टर। ओके थैंक्स। मैडम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कल सारा डिपार्टमेंट शिफ्ट हो चुका है, और आप जैसा कह रही हैं, वैसा कोई पेशेंट, कोई भी नर्स होने का तो चांस ही नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? आप कह रही हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो फिर 1 घंटे पहले मैं जिससे मिली थी वो कौन थी? मैडम, आप जरा बाहर वेट करेंगी, मैं फिर से एक बार चेक करके आपको बताती हूँ प्लीज। हेलो, मैं हेड नर्स मैरी बोल रही हूँ। एक लड़की हमें टॉर्चर कर रही है। जवाब ही नहीं दे पा रहे हम, बहुत ज्यादा बकबक कर रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे छोड़ो,
परेशान करती रहती है। नहीं। छोड़ो, चलो ले चलो इसे। अरे पकड़ो, हटो, जाओ यहाँ से। क्या कर रही है ये? इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर चलो, ले चलो इसे। क्या कर रही है ये औरत? ऐसी छोड़ा है या मत आने दिया? अरे जोर से पकड़ो ना, लेके जाओ, जल्दी करो, जाओ जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ, इसका हर दिन का करो, चलो चलो। कितना परेशान खराब कर रखा है इसने, इसे बाहर मत निकलने देना। क्या हुआ इस लड़की को? पता नहीं कौन है ये लड़की, मुझे तो लगता है पागल है, उसे कुछ समझ नहीं आता है क्या कर रही थी। क्या सिस्टर, आपके हस्बैंड ने कॉल किया है क्या? किया होगा, मुझे क्या पता, आजकल मैं बात ही नहीं करती हूँ उससे। मैडम क्या चाहिए? मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, वो पता नहीं कहाँ है, वो इसी हॉस्पिटल से गायब हो गया है। मुझे उससे मिलना है, प्लीज आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। वो यहीं पर है। आप मेरी बात सुनिए गौतम, इसे वायरल फीवर है तो मैडम यहाँ से मिलना ही है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मिलने दीजिए। वो यहीं पर है, मैंने कहा ना, मैंने कहा वो यहीं पर है, प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। आप सुन क्यों नहीं रही है, प्लीज समझिए। मैडम मैडम बात मानिए, हटिए हटिए, छोड़िए उन्हें, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। हाँ बोलो, फोन पर जो बताया था ये वही है? हाँ सर। मैडम प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। मेरी बात को समझिए, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है, वो यहीं पर। प्लीज आप बात सुनिए, बाहर आइए, चलिए आइए। सिस्टर तुम भी आओ, आओ जल्दी करो।
मैडम, आप अपने बॉयफ्रेंड को ऑर्थो डिपार्टमेंट में ले गए आपने कहा, तो फिर रजिस्टर में लिखा होना चाहिए ना। हाँ, हमने रजिस्टर किया है। पेशेंट का नाम बताइए। गौतम। सिस्टर, गौतम नाम से ऑर्थो डिपार्टमेंट के रजिस्टर में नोट है क्या? लेकिन आज कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पता नहीं है आपको? हमारा शिफ्ट भी 4 बजे तक ही होगा। क्या रजिस्ट्रेशन नहीं है? ऑर्थो डिपार्टमेंट की नर्स ने खुद आकर रजिस्टर करने में हेल्प की थी। क्या कहा आपने? ऑर्थो डिपार्टमेंट की सिस्टर ने आपकी हेल्प की थी? हाँ बिल्कुल। वो कैसी दिखती थी, क्या आप बताएंगे मुझे? पतली और फेयर थी। सिस्टर, क्या आप ऐसी किसी नर्स को जानती हैं? ऐसी तो यहाँ कोई भी नर्स नहीं है। मैडम, जो भी आप स्क्रीन पे देख रही हैं, वो ऑर्थो डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ की लिस्ट है। इसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सारी लिस्ट मौजूद है। आपकी जिस नर्स ने हेल्प की थी वो भी मौजूद होगी तो बताइए। नहीं, इसमें वो नहीं है। एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। अच्छे से किया है, वो इसमें नहीं है। मैडम देखिए, आपका ड्रामा बहुत हो चुका है। ड्रामा? मेरे साथ आए थे वो गायब है और उनका नंबर भी रीचेबल नहीं है, और आप दोनों बिना सेंस के कुछ भी बोले जा रहे हैं। रिसेप्शन पे आपके पेशेंट का नाम नहीं लिखा है। जिस नर्स ने आपकी हेल्प की थी वो कौन है वो भी आप नहीं बता पा रही। तो आप ही बताइए, ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? नहीं, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। Something is wrong in this hospital. Sister? Sir? Sister? Sir? Sister? Sister? मैडम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आप ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? कहाँ चले गए थे आप दोनों? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ? हम कहीं नहीं गए थे मैडम, हम तो वहीं पर थे, आप ही कुछ ढूंढते हुए यहाँ पर आई हैं। सिस्टर, क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? सिस्टर, मैडम, सर, अरे नर्स, अरे मैडम, क्या हो गया? कहाँ जा रही हैं आप? मैडम आप बहुत ही स्ट्रेस में हो ऐसा लग रहा है। आजकल साधारण इंसान से लेकर वीआईपी तक बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं मैडम। क्या आप मुझे पागल समझ रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैडम। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है, तभी आपको पता चलेगा मैं किसके साथ आई थी। मैंने इससे ज्यादा कुछ भी बोला हो तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करिए। मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। वो जो कैमरा 3 है उसका फुटेज प्ले करो जरा। सर, सर मैं 2 बजे के अराउंड आई थी, इसलिए 1:30 बजे से प्ले करिए प्लीज। ओके मैम। ये क्या हुआ? 2 मिनट रुकी मैम। सॉरी मैम, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कैमरा 3 ऑफ हो गया है। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? पेशेंट की सिक्योरिटी इतनी वीक रखी है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी?
प्लीज आप कैसे भी करके ट्राई करिए, प्लीज मुझे देखनी है वीडियो। सॉरी मैडम, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप पुलिस के पास जाइए ज्यादा बेहतर होगा। तुम इन पर नजर रखना, मैं मैनेजर को बता करके आता हूँ, मैनेजर खुद देख लेंगे। आप लोग क्या सोचकर ऐसा कर रहे हैं? हाँ सर, तुमने टाइम पर पैसे नहीं दिए इसलिए पूरा हॉस्पिटल खाली करवा दिया। 6 महीने का भाड़ा बचा हुआ है, उसे पहुँचा देना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि भाई कौन है। सर आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। मेरा लड़का आएगा वहाँ, उसके हाथ में दे देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। सर वो जो लेडी है वो मेंटली अफेक्टेड है क्या? हाँ सर। हेड नर्स क्या बोलती है? उसका भी बिल्कुल यही सोचना है सर। वो जो लेडी बोल रही है उसका कोई प्रूफ है क्या? नहीं सर। ओके सर, आइए सर। सर यही है जो टॉर्चर कर रही है। थोड़ा रुको, पेशेंट या उनके रिलेटिव से कभी भी इज्जत से बात करनी चाहिए, समझे? ओके सर। यस मैम, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इस हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे पता चला, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई अर्जेंट काम आ गया होगा शायद, इसीलिए आपके बॉयफ्रेंड बिना कुछ बोले चले गए होंगे। आप एक बार घर जाके देखिए, मैं भी यहाँ पे एक बार चेक करके देखता हूँ, अगर वो यहाँ मिले तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। नहीं सर, वो मुझे बोले बिना ऐसे कभी नहीं जा सकते। आप अपने पूरे हॉस्पिटल में अभी के अभी चेक करिए। हमारे हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ है वो सब हॉस्पिटल की शिफ्टिंग में बिजी है मैडम, शाम तक हमें सब कुछ शिफ्ट करना है मैडम, प्लीज आप कुछ तो कोऑपरेट कीजिए मैडम। नहीं रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। लेट हो रहा है मैडम। प्लीज गौतम किसी मुसीबत में फंस गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज भगवान के लिए उसे ढूंढ लीजिए प्लीज। प्लीज सर, थोड़ा सा ढील क्या दिया आपने, हॉस्पिटल सर पे उठा दिया। ये बैग लेकर जाइए यहाँ से। ये तो मेंटल डिसऑर्डर की दवाई है ना? ये मेरा नहीं है, ये मेरे बैग में कैसे आया? आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये क्या है सर? देखिए आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए वरना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा मैडम। आप सब बस करेंगे प्लीज। ये मेरा नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ, क्यों मुझे कोई समझ नहीं रहा है यहाँ? सर लगता है इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्या मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सानिया को बुलाऊं क्या? ओके ठीक है सर। डॉक्टर, उनके बारे में तुम मुझे कुछ भी मत बताओ, मैं उन्हें देखकर समझना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। क्या चेकअप करने का इरादा है? ये सब आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा? मैं ठीक ही हूँ, मुझे लगता है कहीं आप लोग। मैडम आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। आप शांत नहीं लग रही, बहुत स्ट्रेस में लग रही हैं। आपका चेकअप करना बहुत जरूरी है। आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स सर। ओके।
हेलो मैं बाद में बात करती हूँ ठीक है आज आपने कोई अजीब सी चीज देखी है क्या नहीं मैंने कुछ नहीं देखा मुझसे कुछ भी मत छुपाइए ऐसी कौन सी अजीब चीज देखी है आपने बताइए ऑलराइट एक छोटा सा टेस्ट करते हैं अंजलि अंजलि क्या हुआ इसे कहाँ भाग रही है अंजलि क्या हुआ मैडम वो अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर आई थी और बॉयफ्रेंड के गायब होने की इस गड़बड़ में वो उसे भूल गई वो उस बच्ची के साथ आई है उसका गवाह सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड है इसलिए उस बच्ची की याद आते ही वो इस तरह से भाग कर चली गई बच्ची तुमने किसी बच्ची को देखा क्या हमने तो किसी को नहीं देखा इसका मतलब वो लेडी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है मैडम A typical case of schizophrenia. उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी कमजोर है तो तुम हो कहाँ थी अंजलि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पता है और इनके साथ क्या कर रही हो ये तो अच्छे अंकल हैं मम्मी आप इनसे बात कीजिए इन्होंने तो मुझे डॉल और चॉकलेट्स दिलाई हैं आप इनसे बात करो ना प्लीज बात करो ना मम्मी चलो ए पूजा क्या हुआ दो इधर गौतम कहाँ गया पता नहीं चलो गौतम को किसी भी तरह ढूंढना है चलो चलो कोई भी नहीं है कहाँ चले गए सब चलो ये कहीं भी नहीं है
कहाँ चले गए हैं सब? चलो डॉक्टर। क्या हुआ? कुछ नहीं। अंदर चलते हैं। यहां से आओ। आओ रुको, इधर यहीं पर आओ। यहाँ पर तो कितना कचरा है मम्मी, बहुत गंदा है। इधर आओ, जाओ इसके अंदर जाओ। यहीं पे आराम से। अंजलि तुम यहीं छुपे रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना, समझी? अम्मू अभी आती है। हाँ कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, ओके? बाय। Huh?
Mm-hmm.
हेलो, क्या बात है, अभी तक सो रहे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आपने ब्रेकफास्ट करके दवाई खा ली होगी इसलिए कॉल किया। पर आपने कॉल नहीं उठाया इसलिए आशिका को कॉल किया। तो उसने बताया आप अभी तक उठे ही नहीं हैं। उठकर फ्रेश होकर जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, मैं वहीं पर आ रही हूँ। ओके बाय। बाय। मुंबई में आज फिर से 2000 से ज्यादा लोगों को कोरोना होने की आशंका है। इसी के साथ पुणे में भी 1329 केस पाए गए हैं, उसमें से 89 मरीजों की इलाज के दौरान जान चली गई। हमारे डॉक्टर लगातार उन मरीजों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन शहर में कोरोना महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार रोकथाम की पूरी कोशिश कर रही है। सर ये क्या है सर? कुछ भी नहीं। सर ने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया है। तुमने खाया? खा लिया। तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने खाया? खा लिया सर। मेरे सामने खा के दिखाओ। आपको हुआ क्या है? ठीक है चलिए मैं खाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसे खुद खाने दो। बोल रहा हूँ ना खाने के लिए, उठाओ और खाओ। दूसरी प्लेट में नाश्ता लेकर आओ। मैंने रात में एक सपना देखा था, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को भी देखते ही मुझे शक होने लगता है। ऐसा कौन सा सपना था? उस सपने के बारे में सोचते ही मुझे डर लगने लगता है। हाय, क्या बात है, ऐसे अर्जेंट क्यों बुलाया? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली क्या? नहीं, हमारे रेगुलर साइकियाट्रिस्ट को कोविड हो गया ना, इसलिए नहीं ले पाया। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक होके आ जाए उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैडम उतने दिन वेट करने की जरूरत नहीं, सारी दवाइयाँ भी खत्म हो रही है। और तो और सुबह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी है, मुझे लगता है हमें दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, रेगुलर डॉक्टर को ही दिखाते ना, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही, सुबह इनकी जो हालत थी ना वो देखकर ही ये सब कह रही हूँ। कल हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। देखिए, कोरोना के कंट्रोल होने के बाद गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कंपनी को फिर से एक बार ओपन करेंगे। ओके सर। हमारे सारे वर्कर्स के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क जल्दी से रेडी करवाइए। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसीजर्स हैं हम सब के सब फॉलो करेंगे। हाँ। ठीक है ना? ठीक है सर। ये देखिए सर, मिस्टर दीन दयाल, फेमस साइकियाट्रिस्ट, रेटिंग्स भी अच्छी है, इन्हीं के पास चलें क्या? ओके, अगर तुम कहती हो तो चलते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए यहाँ नंबर भी है, मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमें कल के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए। सॉरी मैम, there is no direct consultation during lockdown period, are you interested in a online consultation? yeah, okay, patients ke full details hame mail kijiye. Doctor khud aap se contact karenge. oh, okay, any doubt ma'am? no thanks, aap log baat kijiye, main unhe reports mail karke aati hu. okay. सवाल 232 का जवाब है कि सपनों में कभी ना देखी हुई जगह और ना कभी देखे हुए लोग दिखाई देते हैं। ये सवाल एक शख्स ने किया है, आज मैं इसी का जवाब देने वाला हूँ। रात को सपने में आने वाले दृश्य घटी उस घटनाओं से लगातार ताल्लुकात रख सकते हैं। ये हमारी अधूरी इच्छाएं भी हो सकती हैं। सपनों में आने वाले इंसान
हमारे जान पहचान वाले भी हो सकते हैं, या कभी देखा हुआ चेहरा भी हो सकता है, और कभी कभी जगह भी अपनी इच्छा अनुसार दिखती है। इसे लोग इंट्यूशन कहते हैं। कभी कभी आपके चाहने वाले भी आपके सपनों में आ सकते हैं। हम इसे टेलीपैथी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना चाहने वाली चीजों को भी जानने लगते हैं, और जिन जगहों के बारे में हम सोचते हैं वो इंसान के सपनों में आने लगती है। इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। ये अंकल ने हमें बचाया है मम्मी। मैं यहाँ कैसे आई? हॉस्पिटल स्टाफ के जाने के बाद बिल्डिंग में और कोई है कि नहीं ये चेक करते वक्त आप वहाँ बेहोश पड़ी थी मैडम। ये कैसे? कौन हो बेटी तुम? यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? और तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? नहीं है। किसके साथ आई हो? मासी के साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये बच्ची कॉरिडोर में अकेले बैठे रो रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंकल प्लीज कॉल द पुलिस, वो लोग यहीं पर छुपे होंगे। क्या हुआ मैडम? पुलिस आने के पहले वो आ गए तो गौतम को ढूंढ नहीं पाएंगे हम। किसके बारे में बात कर रही है? प्लीज कॉल करिए, बाकी सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये लीजिए रिंग जा रही है। हेलो पुलिस स्टेशन, कोई तो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। पूजा, पूजा, मैं गौतम बोल रहा हूँ। पूजा, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। इन्होंने मुझे कहाँ रखा है मैं नहीं जानता। मुझे बचा लो पूजा, प्लीज प्लीज पूजा, मुझे बचा लो पूजा प्लीज। आप कौन हो? आपको क्या चाहिए? अगर तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहिए तो मुझे 5 करोड़ दे दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? ये बच्ची तो तुम्हें प्यारी है ना, तुम ही तो इसकी गार्जियन हो, उसके अकाउंट से मुझे ट्रांसफर कर दो। क्या देख रही हो? 3 दिन पहले ही इस बच्ची के अकाउंट में 25 करोड़ डिपॉजिट हुए हैं। हमें सब कुछ पता है, उसी में से ट्रांसफर कर दो। भेजती जाके पैसे ट्रांसफर कर दो, वरना तुझे काट कर रख दूंगी। तुम जो बोल रही हो उससे बच्ची डर सकती है, मगर मैं पेशेंट का नाम बताइए, लेकर जाओ इस बैग को। तुम तुझे देख के लग रहा है कि तू अपने बॉयफ्रेंड से जरा सा भी प्यार नहीं करती है, दिखावा करती है। तो जितना भागेगी तो मैं तेरे बॉयफ्रेंड के उतने ही छोटे टुकड़े कर दूंगा। जब तक तुम मुझसे पैसे नहीं ले लेते तुम उसे कुछ नहीं करोगे। उस बच्ची को उठा लो, वो कैसे भागती है मैं देखता हूँ। रुक, कहाँ भागती है? रुक, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। मुझे डर लग रहा है मम्मी। रुक। चल।
हे, वो भाग रही है, उसे पकड़ना ही होगा। रुक, अरे पकड़ो उसे। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अरे खोल ना, खोल। उसके रूम में जाने से पहले क्यों नहीं पकड़ा? ये एक सर्वर रूम है, और इतना ही नहीं, इम्पोर्टेंट मेडिसिन, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स सब इसी के अंदर है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर एक स्पेशल सेफ्टी लॉक लगा है। सर्वर रूम में जो काम करने वाले हैं, बिना उनके फिंगरप्रिंट्स के हम अंदर नहीं जा सकते। सर्वर रूम में काम करने वाले जब अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, तभी जाकर ये दरवाजा खुलेगा। अभी उसने अंदर से लॉक कर लिया है, तो अब ये दरवाजा अंदर से ही खुल सकता है। स्टाफ की शिफ्टिंग की वजह से वो दरवाजा खुला ही छोड़ गए। ए, जल्दी मत कर, कोई और तरीका सोच। अंदर सीसीटीवी मॉनिटर है, बाहर क्या चल रहा है उसे सब दिख जाएगा। अगर इतने फैसिलिटीज हैं तो अंदर फोन कनेक्शन भी जरूर होगा। हे, कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी आता हूँ। हेलो पुलिस, हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो। अब इसे बाहर कैसे लाएं? ठीक है, कुछ करता हूँ। सीधे बाहर आ जा, वरना दरवाजे को तोड़ डालेंगे। अच्छा से मार, तोड़ दे, तोड़ उसको जल्दी। मुझे डर लग रहा है पापी। डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। छोड़ना मत इसे, आ, आ, अच्छे से मार, जल्दी करो। डोर स्टील का बना है, इसीलिए टूट नहीं रहा। ये क्या कर रहे हैं? इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। इसके लवर को उठाया था ना, तभी इसे उठाना चाहिए था। इसे पकड़कर डराएंगे, ये सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। सुपर। आया, रुको। मम्मी, इनको बांध के क्यों रखा है? गौतम, गौतम, गौतम। Sorry for the inconvenience. No problem, doctor. आपका अपॉइंटमेंट मिल गया, यही बड़ी बात है। So, Mr. Gautam, आपके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने मेल में देखे हैं। ये मेडिसिन आपको सिर्फ 25% ही क्योर करेगी, रिमेनिंग 75% तुम्हारे मेंटली हेल्थ पे डिपेंड करता है। अभी जो आप टैबलेट ले रहे हो उसे मैं चेंज कर देता हूँ। आई फील इट्स ओवरडोज, मे बी जब आपने स्टार्ट किया होगा तब ये आपके बॉडी के लिए कैपेबल होगा। और तुम्हारे माइंड को फ्री रखने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करनी होंगी, तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा। यू शुड फील फ्रेश, वरना तुम्हारा माइंड गलत गलत चीजों को सोचेगा। भूलने वाली चीज आपका दिमाग दोबारा से याद दिलाएगा। इस कोविड टाइम में घर में बैठने से बेहतर है कि आप बाहर जाकर किसी सेफ जगह पे घूमें। okay. सेफली तरह से आप घूमिए और ट्रेवल कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। योगा और मेडिटेशन कीजिए, और जिसके साथ रहने से तुम्हारी चिंता दूर होती है उसके साथ मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। यू फील बेटर, ओके? टैबलेट्स के नाम में मेल करता हूं। वी विल मीट नेक्स्ट काउंसलिंग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर।
ए, गाड़ी साइड में लगा। ए, गाड़ी से उतर। कौन हो तुम लोग? भाई ने तुम्हें बुलाया है। कौन है तुम्हारा भाई? ए, काशी भाई कौन है तू पूछ रहा है? चल बैठ पीछे। अरे हे, चल चल बैठ। बैठ गया ना? हाँ भाई। उसके परिवार में कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर डाल। आओ आओ, तुम तो आने से रहे, इसीलिए तुम्हें उठाकर लाने के लिए बोला मैंने। भाई आपको फोन पे बताया था ना, कोरोना की वजह से कंपनी बंद पड़ी हुई है, एक बार कंपनी चालू होने दीजिए, फिर मैं कुछ भी करके आपके पैसे लौटा दूंगा भाई। ये सब तो ठीक है, ब्याज अगर ठीक से भरा होता तो तुझे उठाने की नौबत नहीं आती। आपको तो बताया ना भाई, ट्रांजेक्शन सही से नहीं हो पाया। ट्रांजेक्शन नहीं हुआ ये बोल रहे हो? ये कोरोना के नाम पे पार्टी करते हुए घूमते रहते हो, सब देखने के बाद ही तुम्हें उठाने के लिए बोला, बोलो क्या बोलना है? भाई मुझे बस दो हफ्तों का टाइम दे दो भाई, एमडी साहब की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, उनके साथ कुछ चाल चलने का प्लान कर रहा था भाई, मगर एक लड़की बीच में आ रही है भाई, इस बार कैसे भी पैसे अरेंज करके ब्याज के साथ जितने भी पैसे होंगे सब चुका दूंगा भाई। प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई। ठीक है जाओ, मगर अगली बार तुझे उठाऊंगा नहीं, इस दुनिया से उठा दूंगा, ये बात तू अपने भेजे में अच्छी तरह बिठा ले। चल निकल अब यहाँ से। क्या सर, किसी का इंतजार कर रहे थे क्या आप? आपको ऑफिस के रिकॉर्ड्स देखने थे ना, वो लेके आया हूं। प्रिया ने क्या तुम्हें कोई मैसेज या कॉल किया था? नहीं सर, लेकिन क्यों? क्या है कि ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम है, दो दिन के बाद उसने कॉल करने को बोला था। सुबह से कॉल का वेट कर रहा हूं, ना अब तक कॉल आया है और ना ही मैसेज आया है, इसीलिए। आप चाहे तो डेट जाके मिल लूं क्या? नहीं नहीं, तुम जाने दो, इस बारे में तुम क्यों टेंशन लेते हो? वो बहुत अच्छा इंसान है सर, जहां तक मेरा ख्याल है आप जब से उनसे मिले हैं तब से आपके अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं सर। मैं भी कुछ ऐसा ही फील करता हूँ, अगर लाइफ लॉन्ग अगर मैं उनके साथ ट्रेवल कर पाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। जो बातें मैं फील कर रहा हूँ वो बातें आखिर उनसे कैसे कह पाऊंगा, यही सोच रहा हूँ। सर आपके मन की बात वो फील करती होगी ऐसा मुझे लगता है, आज आप जब उससे मिलेंगे तो जो भी दिल में उसे बोल दीजिएगा सर। मुझे लगता है कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब भी किसी से प्यार किया वो मुझे छोड़कर चला गया, अगर एक बार फिर से ऐसा ही होगा तो मैं इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मोहित, मुझे लगता है अभी सही वक्त नहीं आया है। ठीक है मोहित, मैं फाइल को चेक करके तुम्हें कॉल करूंगा। ओके बाय मोहित। बाय बाय। ये प्रिया आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही है? भाई काम पे जो लड़की है उससे प्यार करता है ऐसा बोल के टॉर्चर कर रहा है ये, वो लड़की इसे देखते ही रोने लगती है, उसका भाई मेरा दोस्त है, एक बार इसे अच्छे से समझाओ। क्या बे, शादी के लायक तेरी बेटी है और इस उम्र में तू इश्क करता है, तेरी तो मैं प्यार करेगा, प्यार करेगा। ये सच्चा प्यार है, जैसा उस जमाने में मजनू ने लैला से किया था, बस उसे देख के उसकी प्यार भरी आवाज सुन ले यही काफी है। क्या आदमी है रे तू? ये तो जलता है मुझसे। अभी ये कौन है? भाई ये फिल्म में स्टील फोटोग्राफर है, कैमरा के लिए पैसे लिए थे, दो तीन महीने से ब्याज दिए बिना घूम रहा है। क्या बे, कोरोना की वजह से फिल्म सब बंद है भाई, स्टार्ट होते ही दे दूंगा। ठीक है जा। रुक भाई, फोटो खींचनी आती है? हाँ आती है भाई। ये ले भाई,
ये रखिए भाई। भाई ये देखिए। बहुत बढ़िया भाई, 2 महीने का ब्याज कम कर दीजिए ना। एक काम कर, तेरी शूटिंग चालू होने तक डेली तू यहाँ आ जा। मैं जो कुछ भी यहाँ पर करता हूँ वो सब कैमरा से शूट करना। फंस गया मैं तो। ये फेसबुक और ट्विटर है ना, उस सब पे डाल के फैला दो। भाई। ये इस टाइम यहाँ क्यों आया? क्यों रे छोटे, 2 हफ्ते का टाइम मांगा था, 2 दिन में आ गया? बंदोबस्त हो गया क्या तेरा? आपने जैसे मुझे उठाया तो वैसे एक लड़की को उठाना है भाई। पुलिस हमें अंदर डाल दे और तू हमारे पैसे दिए बिना बाहर मजे करे, यही प्लान है ना तेरा? क्या भाई आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे बोलने का मौका दिया ना मैंने, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। पहले आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो करना होगा आप कीजिएगा भाई। मगर वो ए, उसको लेकर निकल इधर से। ए, चल। ए, इसे भी लेकर जा। मेरे एमडी की लाइफ में एक लड़की है, बताया था ना आपको, उस लड़की से मेरे एमडी लव करते हैं। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। हम उसे उठा लेते हैं, फिर 30 लाख रुपए मांग लेंगे। ऐसे कंडीशन में वो पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे। आप जितने पैसे मांगोगे सब मिल जाएंगे। मैंने जो 10 उधार लिए थे उसके साथ आप बचे हुए 20 भी रख लेना। ठीक है ना भाई, डील ओके ना? तू जो बोल रहा है सुनने में अच्छा है, मगर ये लड़की का मैटर है। हम लोग पहले ही ब्याज का धंधा करते हैं, ब्याज का ही खाते हैं। तुम्हारे जैसों को पैसा देकर अगर ब्याज नहीं दिया तो उठा कर वसूल करना, यही हमारा काम है। तुम जो बोल रहे हो वो पूरी तरह से दूसरी बात है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया और उस लड़की का कोई आ गया तो फंस जाएंगे। भाई उस लड़की के आगे पीछे कोई भी नहीं है भाई, उसे उठाना बहुत आसान है। इसकी बात सुनकर ये काम कर सकते हैं क्या? सोचिए मत भाई, जब राइट टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? मुझे मार दो, इसी जबान से बोला था ना। क्यों तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? हैं? अभी बताता हूँ तुझे। ए, मार इसको, तभी वो बाहर आएगी। तुम बाहर आ रही हो कि नहीं? तुम इन्हें पैसे मत देना। क्या बे, क्या बोल रहा है तू? है रुक, तेरी तो क्या? मार इसको, और पे तोड़ दे मार के इसके। मुझे मत मारो प्लीज। एक मार दे इसको, बोलो इन्हें तोड़ दे। पूजा मेरी फिक्र मत करो, इन्हें पैसे मत देना प्लीज। पूजा इनकी बातें मत मानना। नहीं पूजा, इन्हें पैसे मत देना, मेरी फिक्र मत करो पूजा। अच्छा तुझे कुछ नहीं हो रहा ना? ए, जाकर कटिंग ब्लेड लेकर आ, देखता हूँ इसको। मम्मी मुझे डर लग रहा है। ला दे। ये देख, ये देख। नहीं पकड़ इसको, मुखल धर्मो, मुखल धर्मो। प्लीज ऐसा मत करो। ए, अभी बाहर आ। तुझे कुछ नहीं हो रहा ना? अभी एक और दांत टूटेगा तब पता चलेगा। मार मुझे, मार मार। अब देख क्या करता हूँ। अब बाहर नहीं आई ना? इसका दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। और मारो इसे।
बहुत चर्बी चढ़ी है, कैसे बाहर निकाला देखा? इतनी आसानी से भाग जाओगी हैं? ए, अपना मुंह बंद कर, तू जाके लैपटॉप लेके आ। दे उसे। लो। ट्रांसफर करो। गौतम अंकल, आपका दर्द हो रहा है। नहीं बच्चे, रो मत। हो गया। दो। हेलो, हे, पैसे आए क्या? देखो। ओके, सुपर। पैसे मिल गए, चलो चले। चलो 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 चलो। गौतम, रो मत पूजा। गौतम, अगर इन लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया होता, ये सब मेरी वजह से हुआ। ये सब कुछ नहीं होता पूजा। Sorry. ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm sorry पूजा, मुझे माफ कर दो। I'm sorry पूजा। ए, जल्दी बाहर चलो। यहाँ से जल्दी निकलना होगा पूजा। मुझे लगता है कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हो गौतम? ये सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है पूजा। पैसे मिलने की वजह से ये लोग यहाँ से चले तो गए, लेकिन ये वापस आ सकते हैं पूजा। बाहर जाकर हमें तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। जल्दी करो पूजा। लॉक किया है, उस तरफ जाते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ए, एक बड़ी गलती हो गई हमसे। क्या हुआ? पैसे लॉक हो गए, मैसेज आया। उन्हें हॉस्पिटल से निकलने से पहले रोकना होगा। चलो 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 यहाँ से। हेलो, तुम्हारी प्रेमिका को किडनैप किया है हमने। क्या, कौन हो तुम? ध्यान से सुनो। हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जिसे तुम चाहते हो ना, उसे किडनैप कर लिया है। अगर झूठ लग रहा है तो व्हाट्सएप खोल कर देख लो। हेलो हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? अब भी प्रेमिका को जिंदा चाहते हो तो 50 लाख ले आओ। क्या कहा? पैसे रेडी रखना। कब और कहाँ देने हैं? हम तुम्हें फोन पर बताएंगे। हेलो हेलो। छे, ये फालतू की कॉलर ट्यून भी। कम ऑन कम ऑन। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो मोहित, तुम कहाँ हो? सर, प्रिया का किडनैप हो गया है। मोहित, ये क्या बोल रहे हैं सर? क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आप डरिए मत सर, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुरंत घर पे आता हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ। भाई हाथ ऊपर कीजिए। भाई भाई नमस्ते कीजिए।
भाई स्मेल प्लीज। हेलो भाई, मुझे बोल के उठाना चाहिए था ना। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे एमडी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है। ए, हमने नहीं उठाया उसे। आपने नहीं उठाया? सेटिंग सब हो गई है, कल का टारगेट रखा है। तो फिर किसने उठाया होगा? छोटे, हमारे साथ डबल गेम मत खेल तू। भाई आप ये गेम करोगे तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई। तो फिर किसने उठाया होगा? फिर भी आप अपने आदमियों के साथ रेडी रहिए, मैं अभी अपने एमडी के घर पे जा रहा हूँ। क्या चक्कर है वो पता लगा कि आपको कॉल करता हूँ भाई। ठीक है छोटे। हेलो, बैंक मैनेजर सर? हाँ मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर कौन बात कर रहा है? सर मैं गौतम बोल रहा हूँ सर, इमरजेंसी में मुझे कैश चाहिए सर। सर मेरे सारे करंट अकाउंट्स को क्लोज करके मुझे इमीडिएटली फंड्स रिलीज कर दीजिए सर। 30 मिनट में रेडी हो जाएगा सर। आओ मोहित। कौन है सर वो? फिर से कोई फोन वगैरह आया था क्या? पता नहीं, दोबारा तो उनका कॉल नहीं आया। सर क्या हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करें क्या? इसकी जरूरत नहीं है, देखो उन लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, यही उनकी डिमांड है। पुलिस के पास गए तो वो प्रिया को कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों ने कितना डिमांड किया सर? पूरे 50 लाख। मैंने तो 30 लाख का प्लान किया था, इसने तो 50 लाख मांग लिया। क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? सर इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे आप? तुम उसकी चिंता मत करो मोहित, हमारे कंपनी अकाउंट्स में जितने भी पैसे हैं हम वो सब विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक कि मैंने करंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैनेजर को बोल दिया है, प्रोसेसिंग चालू हो गई है। जब तक किडनैपर का दोबारा कॉल आएगा तब तक पैसे हमारे पास आ जाएंगे, समझ गए ना? अब तुम जाओ। ओके सर। हमने तो सिर्फ 30 लाख का प्लान बनाया था भाई, उसने 50 लाख मांगा है। कौन है वो पता चला? नहीं, अपने प्लान में एक छोटा सा चेंज है, आज ही हम लोग उस लड़की को उठाएंगे। उन्हें 50 देने के बाद क्या हमें भी 30 देगा तुम्हारा एमडी? अरे भाई वो 50 भी हमारे ही होंगे। क्या बोल रहा है तू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही वो लोग एमडी को पैसे देने के लिए जगह बताएंगे तभी मैं आपको वो जगह बता दूंगा भाई। फिर आप अपने आदमियों को वहाँ भेज करके वो पैसे उठवा लेना। छोटे तुम ठीक हो? अगर 50 मांग रहा है तो वो कोई बड़े गैंग का होगा, हमारी जान को खतरा हुआ तो। क्या भाई बेकार में कुछ जाने समझे, आप घबरा क्यों रहे? अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना तो आपका शेयर 25 हो जाएगा। ठीक है ना, इससे बढ़िया चांस हमें नहीं मिलेगा भाई। ए, अपना फोन जल्दी उठाना। ए, मेरा फोन ठीक से नहीं चल रहा है। तुम मुझे कब नया फोन लेकर दोगे? कभी तो कुछ दिलाया करो मुझे। जब देखो फालतू लोगों के साथ भी ना हमेशा बकते रहती है। चुप कर। कट कर दिया, घर आओ फिर करती हूँ खातिरदारी। ठीक है छोटे, हम रेडी हैं। टैंक फुल कर दो भाई। अभी तक आया क्यों नहीं ये? मोहित सब कुछ रेडी है ना, इसमें पैसे हैं? हाँ रेडी है सर। ए, उनका फोन आ रहा है, स्पीकर में डालिए सर। क्यों पैसे रेडी हो गए? हाँ पैसे रेडी हैं। वो तंडी बिल्डिंग के पास मिलो। ठीक है मैं अभी आता हूँ। ऐसा मैंने सोचा था, उन्होंने पहले ही आके लड़की को उठा लिया। उन्होंने तो यहीं आने के लिए बोला था ना। ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे यार छे, ये कॉलर ट्यून भी ना। क्या बोल रहे हैं सर? मोहित वो फोन नहीं उठा रहा है। ए, उसका कॉल आ गया। हेलो, आपने जहां बताया था हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पर तो कोई नहीं है। जल्दी मत करो, जल्दबाजी में ढूंढ नहीं पाओगे। तुरंत वहां से मरुमा बस स्टैंड के लिए निकलो। ठीक है सर। उसने क्या बोला? मरुमा नगर बस स्टैंड पे आने को बोला है उसने। चलो यहाँ से। ए, इस साइड से आओ। मरुमा नगर बस स्टैंड।
क्या रे, बड़ी अजीब जगह है ये। अरे वहां देख कोई है क्या? भाई यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। भाई फोन बज रहा है आपका। हाँ, क्या छोटे, हम जगह पर पहुंच गए हैं। क्या तुम दूसरा लोकेशन भेज रहे हो? उन्होंने लोकेशन चेंज कर दी, जल्दी वहां से निकलो। ठीक है, हम देख लेंगे। ए, सब नीचे उतरो। अरे किसका फोन था? मेरा एक फ्रेंड है, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट, उसको आपको जो कॉल आया उसे ट्रेस करने के लिए बोला है। देखो इस वक्त मुझे उसकी जान की ज्यादा फिक्र है, ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ए, चलो चलो सब जल्दी चलो, जगह बदल गई है। हाँ, चल चलिए जल्दी जल्दी बैठो और चलो। हेलो, गोड़ी के बगल वाली फैक्ट्री में आओ, मैं वहीं पर मिलूंगा। ए, तू उधर जाके देख और तू इधर जाके देख। ए, वहां देखो जाके। इसकी तो मैं। हाँ बोलिए। पेट्रोल की कीमत क्या है ये पता है क्या तुझे? इस बार फिर जगह चेंज की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल देना उन लोगों को। ए, सब गाड़ी में बैठो रे। ए, जल्दी बैठो रे। अरे यार। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए वो लोग? सर, ए, उस तरफ देखते हैं। जी आओ। हेलो मोहित, इसमें तो प्रिया के कपड़े हैं। क्या हुआ, ड्रेस देख के कुछ याद आ गया क्या? प्लीज आप उसे कुछ मत करना, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ पे आ जाऊंगा, प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, मिन्नत करो, शहर के बाहर जो एम के फैक्ट्री है ना, वहाँ से प्रेमिका को ले लो। हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, चलो मोहित। ए, यही जगह है ना, रुको रुको रुको। ए, जल्दी ढूंढो। हाँ भाई। ए, अच्छी तरह से देख। ए, तू जाके उधर देख। उन लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया, जल्दी से वहां पहुंचो। अरे यार इतना क्यों भगा रहे हो, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ यार। ए, चलो सब यहाँ से। ए, आ जाओ रे। ए, उस गाड़ी का पीछा करो। हाँ भाई अभी करता हूँ। सुपर बॉयज, और फास्ट चलाओ। ए, उन लोगों के आने से पहले हमें लड़की को उठाना होगा। हाँ भाई। ए, 50 लाख है, जल्दी करो, घेर लो पूरी जगह को। ए, जल्दी कर। वहां कोई तो है, देखो जरा। ए, बेहतर है कि तू लड़की को हमारे हवाले कर दे। वो नहीं होगा, मैं काट के रख दूंगा। ऐसा दो और लेकर जाओ उसे। भाई यहाँ कर देखो तो।
यही वो पैसे वाला एमडी है क्या? ए, पैसे लेके आए हो? जितना बोला था उतना पैसा लेकर आया हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड को प्लीज छोड़ दीजिए। पहले पैसे दे दो हमें, बाद में लड़की। मोहित इनको पैसे दे दो। ए, पैसे पूरे हैं ना, जरा गिन के देख। हाँ बराबर है भाई। ए, लड़की को छोड़ दो। तुम्हें इन लोगों ने टॉर्चर तो नहीं किया प्रिया? नहीं। आज से पहले क्या तुमने इन आदमियों को कहीं भी देखा था प्रिया? मैंने कभी नहीं देखा। सॉरी, अगर मैं तुमसे मिलती ही नहीं तो ये परेशानी तुम्हें नहीं उठानी पड़ती। ऐसा मत बोलो प्रिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ही तुम पर ये सारी मुसीबतें आई हैं। प्लीज तुम रो मत प्रिया, अपने आंसू पोंछ लो। इसे एक बुरा सपना समझकर भूलना ही बेहतर होगा प्रिया। सर थोड़ा गाड़ी रुकेंगे क्या? क्यों, क्या हो गया? रुकिए ना, बताता हूँ। मोहित क्या बात है? सर यही सही समय है, मैडम से प्यार का इजहार कर दीजिए। मोहित ये तुम क्या बात कर रहे हो? बिना पैसों के बारे में सोचे आपने उनकी इतनी बड़ी मदद की है सर, उनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई होगी सर। आप कुछ भी मत सोचिए, मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाता हूँ सर। आप लोग चाहिए चाहिए ना सर, बेस्ट ऑफ लक सर। ठीक है मोहित, थैंक यू, बाद में मिलते हैं। ओके सर, संभल के जाइएगा। हाँ ओके। भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? हाँ बैठिए सर। आओ छोटे आओ, वहां क्यों रुक गए हो? हम सब बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। आओ लीडर आओ, पहले हाथ मिलाओ। क्या देख रहे हो, हम भी तुम्हारी तरह शौक हो गए थे। ए, एक को मत छोड़ना, मत छोड़ना किसी को। हाथ मत तोड़ दे, जरा इधर आके देखो। क्या मैडम, तुम्हें तो किडनैप किया गया था, तुम तो जैसे फूड कोर्ट में बैठ के आराम से जूस पी रही हो। तुम सब लोग कौन हो और मुझे किडनैप किया है ये तुमसे किसने करने को कहा? ये सब तुम्हें नहीं बता सकते, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। उन्होंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, हमने किया है। जैसे आराम से जूस पी रही हो उसी तरह से सारे पैसे हमारे हवाले कर देना, समझ गई? अरे जूस खत्म हो गया क्या? बाजू में कोई शॉप है ये भी नहीं पता। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं अपने आदमी को भेजकर जूस मंगवा दूंगा। ए, जल्दी से मैडम के लिए जूस लेकर आ। क्या हुआ बे? भाई वहां देखो। मैडम गोली मत चलाना, मैडम गोली मत चलाना, मैडम गोली मत चलाना, मैडम गोली मत चलाना। अब बताओ तुम लोग कि कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए हो? मैडम हमें मारना मत, हम सब बता देंगे, ये सब उस मैनेजर की चाल है। आप ये गेम करोगे तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई। फिर भी आप अपने आदमियों के साथ रेडी रहिए, मैं अभी अपने एमडी के घर पे जा रहा हूँ। क्या चक्कर है वो पता लगा के आपको कॉल करता हूँ भाई।
आओ छोटे। एक लड़की मेरे और एमडी के बीच में आ गई है, हम लोग उसे उठा लेंगे और एमडी से 30 लाख रुपए मांगेंगे, क्या कहते हो भाई? डील ओके है ना? वो 11 बजे ब्यूटी पार्लर में जाती है, इवनिंग में डांस क्लास खत्म करके वहाँ से एरोबिक्स क्लास में चली जाती है। वहाँ से उठाना हमारे लिए बहुत ईजी होगा भाई, रास्ता भी उस वक्त सुनसान होता है। इतना सोच क्या रहे हो भाई, बहुत अच्छा मौका है ये। मुझे पता चले बिना उसने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, उससे तो मैं बाद में देख लूंगी, अब इनके साथ क्या करें? भाई हमें कुछ मत करना। हाँ भाई प्लीज। हम आए भी नहीं और तुम्हें देखा भी नहीं, रास्ते में कार पंचर हो गई ऐसा बोल देंगे। ए, तुम सब भी बोलो ना। इनके प्लान के हिसाब से डील खत्म होने दो। ये डील खत्म होते ही हमें मार के पैसे लेके तुम लोग भाग जाओगे ना? तुम्हें मारेंगे नहीं, अब से तुम बिजनेस पार्टनर। मजाक था। मजाक कर रही है। बिजनेस पार्टनर्स? तो क्या मुझे मार दोगे? मरने वाला तू नहीं होगा, वो होगा। हमारे टीम का यही काम है, दिमाग लगाकर और उनके साथ मिलकर वो ही हमें सब दे दें, यही बेहतर होता है। इसके पहले वाला काम ठीक से नहीं हो पाया तो काम ठीक से ना हो पाने के कारण हमने उसका मर्डर कर दिया। ए, इधर आओ। ये तो सिर्फ 10 है। ए, बाकी 10 कहाँ है? सर मैं इतना ही इकट्ठा कर पाया सर, इसे छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर। ए, गिड़गिड़ा मत, चल भाग यहाँ से, चल। ए, चल निकल। उसे छोड़ दे। तुम जाओ यहां से, नजदीक आए तो गोली मार दूंगा। गन अपने पास रखो, कोई आए तो शूट कर देना। नीचे उतर, नीचे उतर ना। अरे क्या हुआ, ये क्या कर रही हो? नीचे उतर, हम सब एक ही टीम में, उतर। थोड़े दिन के लिए बिना असाइनमेंट के रहने के बारे में सोच रहे थे, मगर उसी वक्त तुम्हारा एमडी खुद हमारे जाल में फंस गया। सर, सर। पूछताछ में पता चला कि वो बहुत बड़ा आदमी है, तो हमेशा के लिए सेटल होने के लिए प्रिया को उसे जाल में फंसाने के लिए कहा। लेकिन सच में तुम्हारे एमडी से उसे प्यार हो गया और हमें तुम्हारे एमडी से लेने थे 75 लाख रुपए, और उसमें जो उसका 25 लाख का शेयर था उसे छोड़कर 50 लाख ले आओ और डील को खत्म करो। वो करिए शादी करके उसके साथ सेटल हो जाएगी। तो फिर ठीक है पार्टनर, जैसा इसने बोला वैसे तो पैसे मिल गए, तो फिर क्यों इसे मारना है? हमारी टीम का एक रूल है, हमारे इस ड्रामे में किसी भी सेंटीमेंट्स की जगह नहीं होती। आज वो जो हमें छोड़कर गई है, कल वो हमें फंसा नहीं देगी, इसकी क्या गारंटी? इसीलिए मैंने उसके जूस में जहर मिला दिया है। जो हो गया उसके लिए अब रोने की जरूरत नहीं है प्रिया, मुझे इन पैसों के जाने का कोई गम नहीं है। इस वक्त तुम मेरे साथ हो प्रिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। आज सुबह मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता था, लेकिन प्रिया एकदम से ये सब कुछ हो गया और मैं, लेकिन जो हुआ उसके बारे में सोचकर रोने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया।
ये अंगूठी मुझे मेरी माँ ने दी थी, इससे मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी? प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? प्रिया, प्रिया, तुम्हें क्या हुआ प्रिया? प्रिया, सॉरी गौतम। ये क्या है प्रिया? तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। तुम्हें क्या हुआ है प्रिया? प्रिया, Oh!